नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। मैं आपके साथ साक्षी सहनी। बात की जाए जम्मू कश्मीर की, बात की जाए पूरे भारत की, तो आज हम सब ने देखा कि अब नए क्रिमिनल लॉज जो हैं वो लागू हो चुके हैं। इन नए क्रिमिनल लॉज की मैं बात करूं तो भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीन नए क्रिमिनल लॉज जो हैं इनको इम्प्लीमेंट करने की बात जो है वो की गई है और इन्हें जल्द ही इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। आखिर ये है क्या और इसके बारे में विस्तार से जानकारी आपको जो है इस वीडियो में हम देने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट मीनू पादा मौजूद है। सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक स्टेट समाचार में। थैंक यू सो मच साक्षी जी, थैंक यू। मैम, लगातार इतने सालों से सुनने को मिल रहा था IPC की धारा ये, CRPC ये, अब अचानक से इन सबको चेंज करके सीधे BNS, BNSS और BSA ये सब चेंज कर दिया गया और आज की बात करें आज ही से ये लागू हो जाएंगे। क्या सोचते हैं आप इस बारे में, क्या विचार है आपके? देखिए, जहां तक मैं बात करूं IPC की या CRPC की या इंडियन एविडेंस एक्ट की, जो पुराने हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था, जो क्रिमिनल लॉ था, वो काफी पुराना था, कलोनियल इरा के टाइम का लॉ था। आज है 2024, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेम सिचुएशंस रही होंगी? ऑफ कोर्स जो है, ब्रिटिश ने हमारे देश पे राज किया तो उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से कानून बनाए थे। अब ये बहुत जरूरी था चेंज लाना और ये चेंज कहीं ना कहीं आज आया है 2023 में, जब पार्लियामेंट ने ये लॉ पास किया और फाइनली रात से ये 12 बजे से एनफोर्स हो गया पूरे देश में। तो मुझे लगता है कि ये चेंज, जो चेंज को देख के, समय को देख के जो ये नए लॉज लाए गए हैं, ये बहुत जरूरी थे टाइम के साथ। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। ये जो डिसीजन लिया गया, ऐसे डिसीजन को लेने से पहले सुनना है कि 2023 में इसे पास किया गया था, क्या लगता है कि ये एक साल का गैप जो है वो क्यों आया है बीच में? देखिए, कोई भी लॉ जब बनता है तो देयर इज अ प्रोसीजर। पहले वो लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट के कंसेंट मिलती है, असेंट मिलती है। अब उसमें क्या होता है कि एनफोर्समेंट डेट जो होती है, लॉ पास हो जाता है बट वो लॉ को एनफोर्स कराने की जो तारीख होती है उसमें इतना गैप ऑलमोस्ट आ ही जाता है। तो 1 जुलाई उसके लिए तिथि जो है लास्ट डिसाइड की गई और रात से आप देख रहे हैं कि ये लॉ जो है, अभी रिसेंटली मैं देख रही थी कि दिल्ली में पहली FIR जो BNS के तहत लग भी चुकी है, किसी रेडी वाले पे, मतलब उसने रास्ते में लगाई होगी तो उसमें वो पब्लिक वो उसको न्यूसेंस के लिए कुछ ये सेक्शंस इम्पोज की गई हैं। तो इसी तरह से अब जो भी सेक्शंस इम्पोज की जाएगी, जो भी क्राइम कमिट होगा, उसको हम IPC की धारा ना कह के BNS की सेक्शन ये उसके तहत जो होगा। एक चीज जो हम भी रीड कर रहे थे उसके अकॉर्डिंगली ये कहा गया कि क्रिमिनल लॉज को देखते हुए पहला जो ट्रायल होगा उसके उसको 45 डेज का टाइम जो है वो दिया गया है, या यानी कि यूं कहूँ कि उसमें जो जजमेंट्स की बात की गई है उसमें एटलीस्ट 45 डेज की बात की गई है। क्या लगता है आपको कि जो टाइम लिमिट इतना ज्यादा था, कई बार ऐसा हो जाता था कि बहुत देर हो जाती थी और कई बार विक्टिम जो होता था वो कहीं ना कहीं पास अवे भी हो जाता था, ये टाइम लिमिट जो सेट की गई है इसको देखते हुए क्या सोचती हैं आप? बिल्कुल साक्षी, आपने बिल्कुल सही बोला है। टाइम लिमिट की वजह से, देखिए, टाइम ना होने की वजह से देश में केसेस जो हैं वो पेंडिंग रहते थे, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लोअर कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अब जो टाइम फ्रेम सेट कर दिया गया है, जैसे आपने ये इसकी बात की जजमेंट के लिए, तो वो टाइम जो है वो आफ्टर द ट्रायल, कंप्लीशन ऑफ ट्रायल, 40 दिन का समय दिया गया है कि 40 दिन के अंदर आपको डिलीवर करनी ही पड़ेगी जजमेंट। उसके बाद फर्स्ट हियरिंग के अंदर जो चार्जेस हैं वो 60 डेज के अंदर फ्रेम होने पड़ेंगे। तो ये अगर टाइम को पूरी तरह से फॉलो अप किया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो पेंडिंग केसेस की समस्या है हमारे देश में, क्योंकि ऑफ कोर्स पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो नो डाउट केसेस भी बहुत होंगे, डेली बेसिस पर थाउजेंड्स ऑफ केसेस फाइल होते हैं। तो मुझे लगता है जब ये टाइम सेट हो जाएगा तो ऑफकोर्स स्पीडी ट्रायल, और वो कहते हैं ना कि जस्टिस जल्दी डिलीवर हो जाएगा। वैसे भी कहा जाता था हमेशा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो अब जस्टिस विल नॉट बी डिलेड एनी मोर। वी कैन से दैट लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन द फ्यूचर कि जस्टिस मतलब आगे डिले ना हो। बट यस, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कागज में तो बहुत कुछ होता है, नो डाउट पहले भी बहुत कुछ था, लेकिन स्टिल इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको देखना बहुत जरूरी है हमारे देश में।
क्राइम अगेंस्ट वेमेन एंड चिल्ड्रन को लेके भी काफी सारी अपडेट्स जो हैं वो इसी में देखने को मिली, काफी सारी चीजें ऐड की गई हैं। एक मैं बात करूं तो जहां तक मैं भी पढ़ रही थी कि एक माइनर के साथ अगर गैंग रेप का केस सामने आता है तो उसमें दो ही चीजें जो हैं वो जजमेंट के तौर पे होंगी, या तो सीधा लाइफ इंप्रिजनमेंट या तो डेथ सेंटेंस। किस नजर से देखते हैं आप इसे? देखिए, ऑफ कोर्स एक इतना घिनौना क्राइम जो है, जब आप इतना हीनियस क्राइम कर रहे, एक बच्चे के साथ बलात्कार कर रहे हैं, तो उसकी सजा इससे कम क्या ही होनी चाहिए। तो मुझे लगता है बिल्कुल सही है ये डिसीजन, जिसमें बच्चे के साथ, क्योंकि क्राइम बच्चों के अगेंस्ट होता है, बच्चे सबसे ना इजी विक्टिम मान इस इजी वो कहते हैं ना, ट्रैप में फंसाना इजी होता है उनको। तो बच्चे, चाहे लड़का हो लड़की हो, चाइल्ड अब्यूज किसी के साथ भी हो सकता है, चाइल्ड के साथ बलात्कार करने पर डेथ सेंटेंस जो है, दिस इज अ बेस्ट, मैं कहूंगी कि बेस्ट डिसीजन है कि इसको डेथ सेंटेंस से कम तो वो डिजर्व भी नहीं करता। सुना है कि अब 0 FIRs वाला भी अब सिस्टम होगा, और EFIRs जो है वो भी अब लॉन्च की जा सकती है। बिल्कुल साक्षी, ये EFIR का जो प्रोविजन है, इससे क्या होगा कि यू डोंट नीड टू गो टू द पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर एन FIR। आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या है, अपने कंप्यूटर से या वो वेबसाइट जो होगी उसमें आप सीधे जो है वो EFIR जो है रजिस्टर्ड करा सकते हैं। बहुत बार लोगों को क्या होता है, डर होता है पुलिस स्टेशन जाना, थाने में जाना पड़ेगा FIR रजिस्टर करने, इस वजह से क्या होता है बहुत सारे क्राइम जो होते हैं वो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। और बहुत सारा जो ये NCRB का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, या बहुत सारा डेटा हम देखते हैं कि वो डेटा होता है जो रिपोर्टेड डेटा है, देर आर सो मेनी केसेस विच हैज नॉट बीन रिपीटेड बिकॉज ऑफ द फेयर कि पुलिस स्टेशन कौन जाएगा, राइट? तो ऐसे में मुझे लगता है ये EFIR का पता है, पुलिस स्टेशन नहीं जाना है लेकिन कंप्यूटर से FIR रजिस्टर्ड हो जाएगी। आप अभी FIR रजिस्टर की और बयान देने की अभी बात करनी थी। हमेशा देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द रेप केसेस जो हैं वो इसलिए भी रजिस्टर नहीं हो पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो विक्टिम की फैमिली है और विक्टिम खुद है वो शर्म कर जाता है इस मामले में। तो इस सब को देखते हुए ये एक डिसीजन और लिया गया है कि अब जो स्टेटमेंट है वो फीमेल पुलिस ऑफिसर्स की प्रेजेंस में ही लिया जाएगा, और साथ में जो रेप विक्टिम है वो खुद, उसके साथ उसका कोई ना कोई रिलेटिव या तो उसका कोई गार्डियन होना चाहिए। किस नजर से देखते हैं आप इसे? देखिए, बिल्कुल सही है ये, मेरे ख्याल में एक एक लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ है तो उसके साथ ये जरूरी है कि फीमेल पुलिस ऑफिसर, ऑफ कोर्स वो मेल पुलिस ऑफिसर सामने होगा तो शी विल नॉट एबल टू यू नो, वो ओपन अप नहीं हो पाएगी, अपना एग्जैक्टली स्टेटमेंट नहीं दे पाएगी। और उसके साथ साथ उसका गार्डियन जब होगा, जहाँ उसके फैमिली मेंबर साथ में होंगे, तो वो असल में बता पाएगी कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। तो मुझे लगता है ये उसकी सिक्योरिटी को देख के जो ये डिसीजन लिया गया है, इस तरह की प्रोविजन ऐड की गई है, ये बहुत जरूरी भी थी। मैम, मुझे एक चीज आप ये जरूर बताएं कि जिस तरह से कई बार क्या होता है कि FIR और बाकी डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी होती है उसको भी देखते हुए एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि अब जो ध्यान रखा जाएगा वो ये कि FIR या बाकी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो है वो अक्यूज्ड और विक्टिम दोनों के पास होनी चाहिए, और बाकी डॉक्यूमेंट्स के भी। क्या लगता है आपको किस चीज को सशक्त करने की कोशिश की जा रही है इसके द्वारा? देखिए, FIR तो राइट है एक्यूज का भी और विक्टिम का भी। तो एक्यूज के खिलाफ अगर FIR रजिस्टर्ड हुई है तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे पे कौन कौन सी सेक्शंस लगी हैं, और विक्टिम के भी पता होना चाहिए कि जो उसका जो एक्यूज है इस केस में, तो उस पे कौन कौन सी सेक्शन इम्पोज की गई है। तो ये तो दोनों का हक है, उनको पता होना चाहिए कि ट्रायल जो पूरा केस चलना है कोर्ट में वो किस आधार पे चलेगा। तो आई थिंक दिस इज अ बेसिक थिंग दैट एवरी पर्सन शुड नो, एंड दिस इज अ बेसिक राइट ऑफ एवरी पर्सन, वेदर इट इज अ विक्टिम और द एक्यूज। जाते जाते मेरा सेकेंड लास्ट सवाल, जिस तरह से कई बार देखा जाता है कि लड़के फेक प्रॉमिसेस करते हैं शादी का, देन फिजिकल इंटीमेसी जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है, ऐसे कई सारे केस आजकल देखने को मिल रहे हैं। इसको देखते हुए भी इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि इसको भी कहीं ना कहीं क्राइम के अंडर ही डाला जाएगा। क्या सोचती हैं आप इस बारे में, महिला सशक्तिकरण को किस तरह से ये फ्यूल करता है? देखिए, महिला सशक्तिकरण की जहां मैं बात करूं, तो सरकार ने, या फिर मैं कहूं कि ये कानून जो है वो महिलाओं पे और बच्चों पे बहुत ज्यादा उनको एम्पावर करने के लिए, कहीं ना कहीं ये बहुत उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में देख के ये लॉ बनाया गया है। अब बात आती है कि क्राइम जो फॉल्स प्रॉमिस पे, जो फॉल्स मैरिज का प्रॉमिस दे के वो किया जाता है, फिजिकल इंटीमेसी या फिर मैं कहूँ कंसेंशुअल सेक्स होता है, उसमें क्या रहता है कि एक चीज जब एक लड़की के साथ होती है कोई भी, मतलब इस तरह का एक्ट होता है, तो ऑफ कोर्स जो इंसान उसको इस झांसे में ला के जब एक्ट कर रहा है तो ही मस्ट बी पनिश्ड फॉर द रेप।
क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसने जो लड़की इन्वॉल्व हुई है उसको पूरा यही मतलब उसके साथ लाइफ टाइम गुजारना था, लेकिन सडनली वो जो लड़का है वो भाग जाए कि नहीं अब मुझे मतलब अबेंडन कर दे कि नहीं मैं भाग ही जाए मिले ही ना, तो ऑफ कोर्स उस पे कोई ना कोई एक्शन तो होना चाहिए क्योंकि लड़कियां जो हैं उनको मतलब ये तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी गलत हुआ है और उनपे एक्शन लेना मेरे ख्याल में बनता है। तो इस बार अबैंडनिंग का जो बीच में एक वर्ड ऐड किया गया है, तो उसमें क्या कम्युनिकेशन ब्रेक करना भी अबैंडनिंग में आ जाएगा? देखिए कम्युनिकेशन ब्रेक करना ऑफ कोर्स जब आप किसी को घोस्ट कर रहे हैं, अगर अगर मैं आज की लैंग्वेज में बोलूं जो कहते हैं ना जेंजी की लैंग्वेज में जेंजी की एग्जैक्ट लैंग्वेज में किसी को घोस्ट कर रहे हो, आपने बिल्कुल उससे कम्युनिकेशन वो कर दिया, तो उसको आप क्या समझेंगे? आप एकदम से बात कर रहे थे किसी से, आपने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, लेकिन एक टाइम के बाद जैसे ही आपने सब कुछ कर दिया उसके साथ, तो उसके बाद आप जो है गायब हो गए सडनली। तो मेरे ख्याल में इट शुड बी पनिश्ड, ये बिल्कुल बनता है क्राइम और इस पे पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। मैम। ओवरऑल जाते जाते आखिरी सवाल, ओवरऑल ये जो भी चेंज जो है ये लाया गया है भारतीय दंड विधान में, आपको क्या लगता है कि समाज को कितने हद तक सशक्त कर सकता है? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि एक पक्ष जो है उसको कहीं ना कहीं पूछा ही नहीं गया, एक पक्ष को ज्यादा सशक्त कर दिया, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? क्या नहीं, सोचती ये हैं? बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी रही है साक्षी, कि क्या होता है कि लड़कों के साथ हमेशा ये चीज होती है, क्योंकि अगर मैं स्पेशली बात करूं बड़े बड़े शहरों की, तो वहां पे क्या होता है कि मिसयूज बहुत होता है कानून का बाय फीमेल, स्पेशली अगर बात करूं ये क्रुएलिटी लॉज जो है या रेप जैसी वो सेक्शंस भी मिसयूज की जाती है वहां पे। मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है वो इक्वल बैलेंस होना चाहिए। ऐसे अगर कोई आप पे झूठा आरोप लगाता है तो शी शुड बी पनिश्ड, मतलब उसी लेवल का पनिशमेंट मिलना चाहिए जो एक लड़के को मिलना था अगर उसने रेप किया होता। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर देखने का सवाल है, बाकी अमेंडमेंट तो कानून में होती रहेगी, एडिशन होती रहेगी टाइम के साथ साथ, लेकिन मैं एक लास्ट में यही बोलूंगी कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है, और इस कानून की अगर ये नए क्रिमिनल लॉज हैं इनको देख के बात की जाए तो लॉ ऑफ रूल नहीं रूल ऑफ लॉ कंसीडर किया जाता है, और न्याय को जस्टिस को ध्यान में रख के ये लॉ लाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक पक्ष के लिए ये लॉ कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही चेंज लाने वाला है, क्योंकि एक तो 0 FIR का प्रोविजन आ गया है और ऊपर से EFIR का जो सबसे बड़ा क्राइम का बेस होता है FIR रजिस्टर्ड करना, वो एक बहुत अच्छा प्रोविजन है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। यस, तो फिर जाते जाते सत्य में जयते। थैंक सत्यमेव जयते, बिल्कुल। यू सो मच मीनू जी, आपने हमसे बातचीत की और ये जो नए क्रिमिनल लॉज हैं इनके बारे में आपने हमें काफी जानकारी हमारे और हमारे दर्शकों के साथ जो है वो शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच साक्षी, आज के थैंक लिए बस इतना ही, दीजिएगा इजाजत, देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी जानकारी में अगर कोई ऐसा हो जो इस सब के बारे में जानना चाहता है तो उसे थोड़ी जानकारी जो है वो इस वीडियो के जरिए भी मिले। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार। नमस्कार।